हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको 10 ऐसे स्टॉक्स बता रहा हूँ जो अभी तक चले नहीं हैं, जहाँ पर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी, और वो सारे स्टॉक्स भागना स्टार्ट भी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स बॉटम के आजू बाजू आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो जाइए तैयार ऐसे वीडियो के लिए। हो सकता है अगला वीडियो इससे भी अच्छा हो, कुछ ऐसे बॉटम वाले स्टॉक जो आपको बहुत बड़ा और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दे। तो सबसे पहले देख सकते हैं वालचंद नगर इंडस्ट्री। अब जाकर देख लीजिए, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और आज ये स्टॉक जो है 5% के सर्किट में है। पिछले 5 दिनों से देख लीजिए 30% का रिटर्न है, 1 महीने से 16% का, और 6 महीने से 100% तक का रिटर्न है। और देख लीजिए ऑल टाइम लो पे चल रहा है, ठीक है। कंपनी का नाम को मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं चार्ट आपको बताता चलूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल टाइम लो पे आपको चलने की कोशिश कर रहा है और वो कंपनी आपको शायद 4-5% का डिविडेंड भी देती है ऐसा करके। और ये देख सकते हो अर्नआउट जो आपको देखने को मिला, ये 33 रुपीज़ के बाजू में देखने को मिल रहा, तो ये कंपनी में बहुत लो प्राइस में देखने को मिला। हो सकता है कि यहाँ से ये आपको जो है 4-5 रुपये और गिरावट देखने को मिला, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आईओएल केमिकल फार्मास्यूटिकल, तो ये स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ये भी बाउंस बैक लेने के आजू बाजू चलना स्टार्ट हो रहा है। देख लीजिए धीरे धीरे बाउंस बैक के आजू बाजू चलना स्टार्ट हो रहा है। इंडियन हम पाइप, तो इसमें भी देखेंगे प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और स्टॉक भी काफ़ी तगड़ा धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया। बॉटम से देख लीजिए है कि नहीं, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, रॉकेट बनना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। क्यूज कॉर्प, तो यहाँ पर भी प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाया है, कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया है, और ये स्टॉक भी देखेंगे तो ऑल टाइम लो पे चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ से गिरने का चांसेस बहुत कम है, मतलब गिरने का चांसेस बहुत कम है, नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है, मतलब ऊपर जाने का ही चांसेस बचा और कुछ नहीं बचा है वहाँ पर। और ये स्टॉक्स भी देखेंगे तो एकदम लो प्राइस पर आपको देखने को मिला, तो जितना गिरावट होना था ये हो चुका, अब ये साइड वे में चला गया है, साइड वे में जा रहा स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये स्टॉक की भी बात कर लेते हैं, तो ये स्टॉक्स में भी मतलब जो है कुछ खास अब गिरावट दिखने को नहीं मिलेगी। बीच बीच में देखो ये तो भागना स्टार्ट कर दिया था, बीच में देखो तो पिछले 1 महीने में इसने जो है गिरावट दिखाया, लेकिन 6 महीने में देखते हो नीचे से तो ऊपर भागना स्टार्ट कर दिया था 40-50% तक का, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स पर मैं आपको बोलूँगा आप ध्यान दोगे तो हो सकता है कि जब ये बाउंस बैक मारना स्टार्ट करेंगे तो आपको तगड़ा रिटर्न निकाल के देंगे। ये भी देखो अभी भागा नहीं है, देखो भागने के मूड में है चारों तरफ से, क्योंकि गिरावट होने के चांसेस बहुत कम है, गिरावट होने का चांसेस बहुत ही कम आपको दिखने को मिला। कहाँ गिरेगा यहाँ से देख लीजिए, इसका यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, उसके बाद लास्ट यहाँ बना है, उसके बाद देखिए भागना भी स्टार्ट कर रहा है। और ये सारी कंपनी छोटी छोटी है और आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है ऐसा है। तो नहर, नहर का भी बात कर लेते तो ये भी आपको ऑल टाइम लो में देखने को मिला। ये स्टॉक भी देखिए अब गिरना नहीं चाहता, ये साइड वे में जाना स्टार्ट कर रहा है। उसके साथ साथ ये भी देख सकते हो शिल्पा की बात कर लेते हैं, तो शिल्पा मेडिकेयर की बात कर लेते हैं, तो ये स्टॉक देखो रिकवरी लेना स्टार्ट कर दिया। और आप देखोगे तो मदरसन सुमी भी रिकवरी लेना स्टार्ट कर दिया, ट्राइडेंट भी रिकवरी लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे स्टॉक हैं जो भी गिरे पड़े हैं, अगले 2 सालों में सारे स्टॉक कमाल कर सकते हैं। ये एक मैं रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं बता रहा हूँ, ये सारे नज़र में हैं। आपको इसमें से कौन से अच्छे लग रहे हैं आप और डीप स्टडी कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में या एलिस ब्लू में खोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, बहुत आराम से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।